नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे, आज की करंट अफेयर 18 दिसंबर है आज, और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे अपने बात करते हैं, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है WIR स्टडी पॉइंट, उसे भी ज्वाइन कर लें। और अगर इसमें, वैसे मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें इसकी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अपनी बात करते हैं, डेली का डोज जो आपके लिए आता है रोज़ाना 7:45 पे, तो उसकी ही क्लास है ये, वो क्लास ही है, और ये 13-14 नंबर पार्ट है इसका, ठीक है। और इससे पहले 13 क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। आगे अपनी बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जो हिमा कोहली थी उसको किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली वो महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की है। हिमा कोहली है वो कॉलेजियम जस्टिस थी, उसे कौन से जो हाईकोर्ट की महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की। आपके सामने ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो राज्य दिख रहा है ये राज्य ये, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ था ये बना था 2 जून 2014 को बना था। हैदराबाद, ये नीचे हैदराबाद है, इससे अलग हुआ था। पहले इनकी राजधानी थी वो थी, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था, और पहले राजधानी थी इनकी अमरावती। अमरावती जो राजधानी है वो फिलहाल हैदराबाद की, और तेलंगाना की है हैदराबाद, हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, और जिसका इसका जो हाई कोर्ट है वो भी हैदराबाद में। इसके जो राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल है वो है तमिल साई सोदर राजन, 2019 में बने थे, और मुख्यमंत्री है वो है चंद्रशेखर राव, ठीक है। और जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में सीटें कितनी है, 119 सीटें हैं, कितनी है 119 सीटें हैं विधानसभा में, और जो विधान परिषद है उनमें 40 सीटें हैं। अपने राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 200 सीटें हैं, और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, जो राघव सिंह, जो राघवेंद्र सिंह चौहान थे वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया, पहले यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ जो तेलंगाना है, तेलंगाना वहाँ के जो उच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले राघव सिंह चौहान, इनका ट्रांसफ़र कर दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और इनकी जगह अब मेघा वो नियुक्त हुई है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं दो नंबर क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर दो नंबर क्वेश्चन की, साल जो 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपके सामने ऑप्शन है द ग्रेट कली, श्रीपति खांचनाले या सुशील कुमार या टाइगर चीत। तो आपको इसका बताना है, ये है ग्रेट कली, इनका संबंध है जो WWE है, ठीक है, और इनका जैसे संबंध है वो है पंजाब से, पंजाब के एक पहलवान है, ठीक है। और जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीपति खांचनाले है वो, ठीक है। और इनका जो खांचनाले है इनका संबंध है वो महाराष्ट्र से, इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से, अगर आपसे पूछ ले तो। ये आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन की, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता, वो एक्टर भी है और अब हाल ही में सांसद बने हैं, तो उनको वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की है, तो बताओ उसके बारे में बताऊंगा कि वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन है राज बाबर या शत्रुघ्न सिन्हा या सनी देओल या परेश रावल को, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सनी देओल को, ठीक है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है वो दी गई है। तो अब देख लेते हैं वाई कैटेगरी है वो क्या होती है। वाई कैटेगरी में क्या होता है कि इसके तहत 11 जवान और 2 PSO है वो नियुक्त होते हैं, साथ में रहते हैं हर समय उनके साथ, ठीक है। बॉलीवुड अभिनेता और BJP सांसद सनी देओल वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है इन्हें, क्योंकि इनका जो केंद्रीय सुरक्षा बल की एक टीम है वो हमेशा इनके साथ मौजूद रहेगी, और सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान को बता रहे हैं खतरा है, इसलिए ये
दी गई है। और पंजाब का जो गुरदासपुर है वहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी में सांसद चुने गए हैं। और वहाँ से सांसद है गुरदासपुर पंजाब से कौन, सनी देओल। सनी पाजी कहाँ से है, गुरदासपुर से। ठीक है, ये आपके सामने चार नंबर क्वेश्चन कि विजय दिवस है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कि 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 18 अप्रैल को, या जो 16 दिसंबर है उसको। अब हाल ही में मनाया गया है, ठीक है, विजय दिवस। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत विजय हुआ था, इसलिए विजय दिवस है वो मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ भी बनाया गया था, वो तनोट माता का मंदिर है जो जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर राजस्थान में, एक विजय स्तंभ भी इस उपलक्ष्य में मनाया गया है। और इसमें जितने भी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अब हाल ही में मनाया गया, अर्थात 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगे अपनी बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे पांच नंबर क्वेश्चन की हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका, नौका क्या होता है, जहाज को शामिल किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि जो इंटरसेप्टर C-454 या INS विक्रांत है, या INS अरियंत है, या INS कलवरी है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरसेप्टर C-454। तो इसके बारे में अपने देख लेते हैं क्या कुछ है ये। इसमें क्या होगा कि सूरत में जो हजीरा, सूरत में स्थित जो हजीरा है उसमें L&T कंपनी द्वारा ये बनाई गई है। क्या बनाई गई है, जो 454 है इंटरसेप्टर, वो इंटरसेप्टर C-454 है वो बनाई गई है। और अंतिम जो C-454 इंटरसेप्टर बोर्ड की जो भारतीय तट रक्षक दल क्या होता है, कोस्ट गार्ड होता है, उसे कहते हैं भारतीय तट रक्षक दिवस, सॉरी तट रक्षक दल किसे कहते हैं, कोस्ट गार्ड होते हैं, उन्हें शामिल कर लिया है। जोखो बंदरगाह पे इन्हें तैनात किया गया, जोखो बंदरगाह पे तैनात किया गया है। और इस बोट पे क्या होगा कि जो मोहम्मद दानिश है उन्हें नियुक्त किया गया है, और उनके साथ 13 कोस्ट गार्ड जवान भी तैनात होंगे। और ये इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, C-454 ये एक छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर पर डिज़ाइन की गई है। और इसका जो वजन है वो 110 टन होगा, और इसकी जो लंबाई है वो 27.80 मीटर, और अधिकतम इसकी जो रफ्तार है वो 25 नोटिकल, अर्थात जो मील में, किलोमीटर में देखें तो ये होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में। कभी बाइक चलाया है क्या, चलाया होगा, ठीक है। तो इनमें जो नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, नाइट विजन है, इन सब उपकरणों का जो आधुनिकीकरण है वो इसमें शामिल है, ठीक है, एक आधुनिक प्रणाली पे बनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उनका शिलान्यास किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 5 या 7 या 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। तो अपने डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी 3 है योजना। ये है एक तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क है ये स्थापित होगा कहाँ, गुजरात में। और समुद्री एवं जल संशोधन संयंत्र ये भी कहाँ स्थापित होगा, गुजरात में। और जो दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी है, दूध के लिए जो डेयरी बनाई गई है वो भी कहाँ स्थापित होगी, गुजरात में। तो 3 योजनाओं का शिलान्यास किया है, किसने किया है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। कौन सी 3 का किया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल संशोधन जो संयंत्र है उसका, और जो दुग्ध प्रसंस्करण जो डेयरी संयंत्र है उसका, इन 3 का शिलान्यास किया है। तो हाल ही में किया है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल जो अपना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, इस उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की आगामी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आने वाला है आगे नए साल के बाद में, तो ये इसमें जो मुख्य अतिथि है वो कौन होंगे, हर साल किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपने इस अवसर पे आमंत्रित करते हैं। तो अब की बार किसे किया गया आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे ये दिख रहा है देश, इसके जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है उन्हें किया गया है आमंत्रित। तो अपने बात कर लेते हैं
इसकी ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इससे पहले मैं बता दूं कि जापान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, नेपाल की काठमांडू है, और चीन है वो आपका फेवरेट है बीजिंग, ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री है वो शी जिनपिंग है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ये एक बफर स्टेट भी है, नेपाल है वो बफर स्टेट है। ये आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है फोटो, यही अपने 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं, ये आपको अंगुली दिखा रहे हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्वतंत्र जो अपना गणतंत्र दिवस के समारोह है उस पर मुख्य अतिथि होंगे। और बोरिस जॉनसन है वो कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो वो है ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। और भारत की तरफ से भेजे गए जो न्योता है वो स्वीकार कर लिया है इन्होंने। आगे अपनी बात करें, बता दें कि बोरिस जॉनसन बीते 27 वर्षों में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली यात्रा होगी, भारत की जो पहली यात्रा है वो होगी बोरिस जॉनसन की, ये जब अब सत्ता में आए हैं उसके बाद पहली बार भारत आएंगे, और वो भी 26 जनवरी के अवसर पर मुख्य अतिथि बन के। ये आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन की जो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और ड्रग क्या होता है पता, ये होता है जो दवा होती है, दवा उसे कहती है, ठीक है। और जो भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय है, दो पक्षों की जो बैठक आयोजित हुई है, तो वो आपके सामने ये जो देश लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है, यही है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है म्यांमार है, नेपाल है, चीन है, रूस है, तो आपको दिख तो गया ही होगा, इंग्लिश इतनी तो आपको आती होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा म्यांमार। म्यांमार के बारे में देख लेते हैं, म्यांमार के जो राष्ट्रपति है वो है विन मिंत है, वो यहाँ के राष्ट्रपति है। राजधानी है म्यांमार की, लिखी नहीं है क्या, वो है नेपेताव, ठीक है। वैसे इंग्लिश में इसका नाम देखना तो ये होता है नेपेताव, ऐसे कुछ है, ठीक है। और चीन के जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है वो है शी जिनपिंग, और जो रूस के प्रधानमंत्री है वो है मिसाइल मिशुस्टिन, और व्लादिमीर पुतिन को आप जानते हैं, ये रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। आगे अपने बात करते हैं, म्यांमार है उसकी सीमा अपने भारत से लगती है, लेकिन भारत के त्रिपुरा से नहीं लगती, ठीक है, पूर्वी। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, इसमें आपके जो थंबनेल पर लगा है वो क्वेश्चन भी आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। किस देश ने अपने युवा लोगों का जो पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है, तो वो की है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया चाहता है कि मेरे जितने भी युवा साथी है उनका पहले टीकाकरण हो, वो पहले सुरक्षित हो तो औरों को सुरक्षित भी हम कर लेंगे, पहला युवा शक्ति है वो सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, ठीक है। इनमें ज़्यादा अपने डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वन लाइनर है और टाइम भी ज़्यादा होगा लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जस्टिस हिमा कोहली है वो किस हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ये मैंने पहले ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर ली थी, तो इसका तेलंगाना होगा, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे कि द सूर्या एनबॉर्न्ड जो नामक पुस्तक है, द सूर्या एनबॉर्न्ड पुस्तक है, उसका विमोचन है वो किसने किया है, तो वो किया है ओम बिड़ला है वो जो अपनी लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है लोकसभा अध्यक्ष है, अपने दो होती है लोकसभा और एक राज्यसभा होती है, ये दोनों संसद के अंग है, संसद के, और संसद में एक राष्ट्रपति भी आता है, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ये किस देश ने 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो वो बनाया है कजाकिस्तान ने, ठीक है। इसका बांग्लादेश नहीं होगा, कजाकिस्तान ने बनाया है, ठीक है। कजाकिस्तान ने मनाया है अपना स्वतंत्रता दिवस, भारत का तो 26 जनवरी को आता है। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, ठीक है। कजाकिस्तान हो गया, आगे अपने बात कर लेते हैं, कजाकिस्तान है ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है वो बफर स्टेट तो नहीं होगा, बफर स्टेट तो मंगोलिया है, मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के बाद देखें तो इनका नंबर आ सकता है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपका फेवरेट क्वेश्चन जो आपके थंबनेल पे लगा था कि जे मुरलीधर है वो किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा के, कर्नाटक के, बांग्लादेश के, या राजस्थान के तो नहीं बने, बंगाल के भी नहीं बने, कर्नाटक के भी नहीं बने, तो बने कहाँ के, उड़ीसा के बने हैं। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं, उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है, ठीक है। और जो यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, भुवनेश्वर
भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। उड़ीसा की राजस्थान की बात करें तो जयपुर है, बंगाल की है वो कलकत्ता है, और कर्नाटक की है वो है बेंगलुरु, ठीक है। आगे इसके मुख्य तथ्य की बात करें तो ये जो जे मुरलीधरन थे, ये इससे पहले इनके साथ इनके पास एक पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का प्रभार भी इनके पास था, उनके मुख्य न्यायाधीश ही थे, वर्तमान में भी है ये, और इनको एक अतिरिक्त प्रभार और दे दिया, कहाँ का, उड़ीसा का। आगे अपने बात करते हैं, अच्छा हो गए हैं क्वेश्चन, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो मुझे आपसे पूछना है, तो वो आप बताओगे, क्या बताओगे आप, तो आपको बताना है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री भारत आएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे तो ब्रिटेन की आपको राजधानी बतानी है, राजधानी है वो कौन सी है, राजधानी, ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी आपको बतानी है। ऑप्शन है द ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। दो नंबर है इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। तीन नंबर है लंदन, लंदन, और चार नंबर है टेम्स, टेम्स, टेम्स। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रिटेन की राजधानी वो कौन सी होगी, द ग्रेट ब्रिटेन होगी, या जो इंग्लैंड होगी, या लंदन होगी, या टेम्स होगी। तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं आपसे चाहूँगा विदा, तो फिर कल मिलते हैं।